ईसु परत ये है। लगभग 2000 वर्षापासून दुनिया में अख्खे जागा सावर वदारे में वदारे लोका ख्रिस्त ईसु ने बारा में बेस गोटला आयकता मंडली विकास करी रहनी। ईसु ने वायदा करा का तो दुनिया ना अंत में परत ईल, तरी पन तो आजू परत नहीं आनेल, तरी भी तो तेने वायदाला पूरा करील। जो के आपले ईसुला परत येवनी वाट हेरजे हन, देव आपा पासी ये रीतना जीवन जगुनी इच्छा करो हो, जी पवित्र आहा अन जी तेला मान देना रहा। जदो ईसु धरती वर रह होता तहा तेनी संगा माना चेला दुनिया भर मा अखे जागा ने लोका सहला देव ने राज ने बारा मा बेस गोटना प्रचार करती अन तहा अंत ये जाई। खूब जाति से आता पावत ईसु ने बारा मा नहीं आयकला, सरग मा परत जावला तेने पुड़ ईसु ने ख्रिस्ती सहला ते लोका सहला बेस गोट आयक उला सांगा जही ती कदी आयकेल नहीं आहा, तेनी सांगा जा अन अखे जाति ने लोका सहला चेला बनवा अन कापूला साटी खेती पिकी गहय। ईसु ने ये भी सांगा कने मानुष ना दास तेने मालिक करता मोठा नहीं हुआ, ये दुनिया ने महत्व ने लोकासी माला तिरस्कार करना अन माने कारण ते तुम्हाला भी सतावतील अन मारी टाकतील। ये दुनिया में तुम्ही दुखी हुई से पन मजबूत बना, कहा का मा शैतानला हरवी दिना हाँ जो ये दुनिया वर राज करो। जो तुम्ही सेल्ले पावत माने विश्वास योग्य बनी रहा तो देव तुम्हाला बचवील। ईसु ने तेने चलासाला ये समझूला साटी एक गोट सांगे का जदो दुनिया न अंत हुई हो तो लोका से हारी काय हुईल, तेनी संगा एक मानुषनी तेने खेत में चांगला बी पीरा अन जदो तो निजी होता तो तेना दुश्मन आना अन गहू ने बीने मदीमा रानी सोड़सा बिला पीरी दीना अन मागुन तो निंगी गे। जदो सोड़ उगना तो दासनी ते मानुषला संगा हे मालिक तू तो तूने खेत में चांगला बी पीरेल होता तो ये मा रानी सोड़ कज आहात, ते मानुष ने जवाब दीदा फक्त माना दुश्मन अज तेला पीरूला इच्छा राखतील, यो माना कोनी दुश्मन आहा जेनी इच्छा करेल आहा। ते सेवक सी तेने मालिकला जवाब दीदा काय आम्ही रानी सोडवा साला उपटी टाकूला पड़ो, ते मालिक ने सांगा नहीं जो तुम्ही इच्छा करशाल तो तुम्ही थोड़ा गहू सहला भी उपटी टाकशाल। कापनी ने समय पावत वाट हेरा तहा रानी सोडवा साला भारा बांधी ने गोला करेले जेथी तुम्ही तेला बाळी सका पन गहूला माने खड़ा मा लिए। चेलासी ये गोठना मतलब नहीं समझना ते साटी तेही ईसुला तेहाला समझूला विनंती करी। ईसु ने सांगा चांगला भी पीरनार मानूस ख्रिस्तनी आगेवानी करह, खेत दुनिया नी आगेवानी करह, चांगला भी देवने राजने लोकासी आगेवानी करह। रानी सोडवा तो दुष्ट मानूस शैतान ने लोकासी आगेवानी करह, तो मानुष ना दुश्मन शैतान ने आगेवानी करह जेनी रानी सोडवा साला पीरी दियेल होता। कापनी ये दुनिया ने अंत ने आगेवानी करह अन कापनी करनार देव ने देवदूत सी आगेवानी करता हा। जदो दुनिया ना अंत हुईल तहा देवदूत ते अक्के लोका साला एक हारी गोला करील, जे शैतान ना आहात ते देवदूत तेहाला एक खूबज ताते इस्तोमा टाकी देतील, तटो त्या लोका भयंकर सतावनी मा रडतील अन तेहना दात किकर वरतील। पण जे लोका धार्मिक आहात जेही ईसु ने मागो चालना आहात ते तेहने देव बहासने राजमा दिसने जिसा चमकतील। ईसु ने ये भी सांगा का तो दुनिया ना अंत हुय तेने पुढ़ धरती वर येल तो तेज रीते परत येल जिसा तो गया होता, मतलब तेहने पासी वास्तविक शरीर रहील अन तो आकाश मा ढग सावर बिसीनी येल। जदो ईसु येल तो दरेक ख्रिस्ती जे मरी गे हैत ते मरेल मासून जीता हुई उठतील अन तेला आकाश मा मिलतील, तहा जे ख्रिस्ती आजू भी जीता जाहात ते आकाश मा उचली लेवातील अन दूसरी ख्रिस्ती से हारी सामेल हुई जातील। ज्या मरेल मासून जीता हुई उठतील त्या अखा तठ ईसु ने हारी रहतील, तेने मागून ईसु तेने लोका से हारी रहील। जदुओ त्या एक हारी रहता हा तो त्या पासी कायमने साठी पूरी शांति रहील।
ઈસુની તેને વિશ્વાસ કરનાર દરેક માનુષલા એક મુગુટ દેવના વચન દિના તે કાયમને સાટી દેવને હારી દરેક વસ્તુ ઓર રાજ કરતી તેને પાસી દોષ વગરની શાંતિ રહી પણ દેવ તે અકેસા ન્યાય કરીલ જે ઈસુ ઓર વિશ્વાસ નહીં કરત તો તેહાલા નરકમાં ટાકી દિલ તટ તે રડતી અને તેના દાંત કિકર વર્તી અને તે કાયમ દુખી હોઈતા રહતી કદી નહીં હોલનાર રિશ્તો તેહલા કાયમ પેટવત રહીલ અને કીડા તેહાલા ખાતીલ તે માસુન કદી નહીં અટકનાર જદો ઈસુ પરતી હે તો પૂરે રીતે શેતાનલા અને તેને રાજલા નષ્ટ કરી દિલ તો શેતાનલા નરકમાં ટાકી દિલ તટ શેતાન કાયમને સાટી બળતા રહી તે અખેસે હારી જેહી દેવને ગોઠી સાહલા માનુલા તેને કરતા શેતાનને માગ ચાલુલા પસંદ કરેલ હતા કહા કા આદમ અને હવાની દેવની આજ્ઞા મોડી હતી અને પાપલા એ દુનિયામાં લી આનલા દેવની તેહાલા શરાપ દીધા અને તેહાલા નાશ કરુના નિર્ણય કરા પણ એખાદ દિશ દેવ એક નવા સરગ અને નવી ધરતીલા બનવી જે દોષ વગરના રહી ઈસુ અને તેના લોકા એ નવે ધરતી વર રહતી અને તો કાયમને સાટી અખે વસ્તુ સાવર રાજ કરી તો લોકાશે ડોળાના દરેક આંસુ પૂસી ટાકીલ આતા કોની બી પીડામાં કા તો દુઃખી નહીં હોઈનાર તે રડનાર નહીં તે અજરી નહીં પડનાર કા તો મરનાર નહીં અને તઠ કાંઈ બી વેટ નહીં હોઈનાર ઈસુ તેને રાજવર ન્યાયપૂર્વક અને શાંતિકન રાજ કરી તો કાયમને સાટી તેને લોકાશે હારી રહી.